नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष उर्फ कल्लू भाई आज आपके सामने आया हूँ और मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। जैसे काफ़ी भाइयों ने सुसाइड किया रिकवरी एजेंटों से परेशान होके, काफ़ी लोग बड़े परेशान हैं, डर जाते हैं, कुछ रिकवरी एजेंट इतने हावी हो जाते हैं कि उनको पीट देते हैं, घर पे जाते हैं, हंगामा करते हैं। तो ये आप लोग की गलती है, आप लोग उनको हावी मत होने दो। अगर आप गाय बनोगे तो वो आपको दबा लेंगे, काट देंगे आपको, लेकिन अगर आप वहीं शेर बन के उनका मुकाबला करोगे, उनको उस भाषा में जवाब दोगे, तो वो खुद डर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय श्री राम। और आज मैं कुछ रिकवरी एजेंटों के बारे में बताऊंगा जो आप लोग को बहुत धमकाते हैं, डराते हैं, आप लोग डरते हैं। उनसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, उनके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जो जिस भाषा में बात करता है उसको उस भाषा में समझाना चाहिए, ठीक है। और हमारे कुछ भाई आए हुए हैं जिसमें से एक भाई को कुछ सवाल हैं, वो अभी पूछेंगे, मैं बताऊंगा। तो आप अपना सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोई भी बैंक का एजेंट या कोई भी पर्सन एम्प्लॉय हमको कॉल करता है और तो हमें ये कैसे पता चलेगा? वो हर बार यही बोलता है कि भाई मैं लीगल डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ, मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, मैं वकील वाला बात कर रहा हूँ। नहीं तो उनसे जैसे आप बात करेंगे तो जब आप उनको समझाएंगे आप लीगल हैं, आप नोटिस भेजिए, लीगल डिपार्ट से बात कर रहे हैं, आप पुलिस वाले हैं, आपके पास FIR है, FIR की कॉपी भेजिए, मेरे को व्हाट्सअप करिए, या केस नंबर बताइए, या पुलिस बोल रहा है तो उससे बैच नंबर पूछिए। अगर इतना कुछ करते हैं तो सर वो गाली गलौज करने लगते हैं। गाली गलौज करते हैं तो आप खुद ही जान सकते हैं कि फ्रॉड करते हैं, फ्रॉडिया है। तो आप सीधे उनसे उसी भाषा में बात करिए, उनको दबा के जितनी गाली देनी है मां बहन करनी है करिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिस भाई को भी डर लगता है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करे, मैं उसको गाइड करूँगा, मैं उसको उसकी कॉल को रिसीव करूँगा और मैं उस एजेंट से बात करूँगा, फिर मैं बताता हूँ कौन क्या लीगल होता है, क्या पुलिस होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन आपको भी पता है कि अपने पुलिस का माहौल कैसा है, वो नॉर्मली किसी भी बंदे से बात नहीं करते हैं, सीधा गाली गलौज ही करते हैं। वो कुछ भी करें, हमारी जो संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है हिंदू युवा वाहिनी की, जो बाबा जी की है, इस वजह से हमसे तो उस तरह से वो बात नहीं कर सकते हैं जिस तरह से वो बात करते हैं, लेकिन फिर भी अगर करते हैं तो उनका जवाब हम उनसे ही निकलवाएंगे और उनको ढूंढ के हम पकड़ेंगे, जहाँ भी हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांवा, कहीं का भी हो, उसको पकड़ लेंगे हम। दूसरा ये होता है, कभी पुलिस बन के फ़ोन करते हैं, कभी वकील बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, बाद में जब आप उनको तरीके से बात करने लगते हो तो वो आपको गाली गलौज करना शुरू करते हैं, तो आप वहीं जान जाइए कि वो फ्रॉड है। और दूसरा ये कि आप लोग कभी भी उस तरह से डील मत करें, उनको धमकाना चाहिए, जिस हिसाब से जो बात करता है उसको उस हिसाब से जवाब देना चाहिए, ठीक है। और बाकी हेल्प के लिए मैं बैठा हूँ, हमारे भाई जो हैं यूट्यूबर, उनसे आप मेरे बारे में पूछ लीजिएगा, ज़रूरत हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं उनके थ्रू, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी एजेंट ऐसे होते हैं जो मतलब बोलते हैं कि मैं इस थाने से बोल रहा हूँ, अभी तेरे घर पे 10 मिनट में पुलिस लेके आ रहा हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है आपके पास, इस वजह से आप पे नहीं कर पा रहे हैं, उससे पहले आपने पे किया तो इसमें कोई सज़ा होती नहीं है, आप उसको पे करिए, सेटलमेंट के थ्रू पे करिए, थोड़ा थोड़ा अमाउंट जमा करिए, पे करिए, बैंक का पैसा खाना नहीं है, पे करना है, लेकिन डर के और घबरा के नहीं पे करना है। अगर आपकी पास पेमेंट है तो आप पेमेंट करिए, नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं तो मत करिए, बाद में करिए, लेकिन पेमेंट जरूर करिए। और दूसरा ये होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुसाइड में जा रहा हूँ सुसाइड करने, मेरे को वो धमका रहा, हरासमेंट कर रहा है, ये कर रहा, वो कर रहा, तो ये गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि आपके पीछे आप हैं, आपके पीछे आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर फादर हैं, तो उनको देखिए। एजेंट तो आते रहेंगे जाते रहेंगे,
उनसे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो भी समस्या है हमारे इन भाई से आप बात करिए, आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे नंबर